हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में छोटे बच्चों को, यूकेजी क्लास के बच्चों को, आप वीकली मैथ्स की वर्कशीट्स कैसे बना के दे सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें जितने भी हमारे 5-6 डेज होंगे जिनमें कि आप बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं वो सारे वन बाय वन देखेंगे कि मंडे को आप कैसा वर्क दे सकते हैं, ट्यूजडे को, देन वेनसडे, इस तरीके से। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंपल से शुरू करेंगे। ये लेवल वन कह सकते हैं आप वर्कशीट का, कि जिसमें बहुत ही आसान से हम सम देंगे बच्चों को। इसके बाद धीरे धीरे आप करके लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडे को आप 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द मिसिंग नंबर्स, मीन्स इट्स जस्ट ए सिंपल काउंटिंग। बच्चों को काउंटिंग ही ये कंप्लीट करनी है। जैसे 21, 22, 23, हेयर इट इज 24, देन 25, 26, 27, 28 एंड हेयर 29। इस तरीके से ही 47, 48, देन 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। सिमिलरली 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97। आप इसमें ये ध्यान रखें कि जब भी आप इस टाइप की वर्कशीट बच्चों को बना के दे रहे होंगे तो ये एक बार कंफर्म कर लें कि कहाँ तक उन्हें काउंटिंग सिखाई गई है। अगर उन्हें 50 तक काउंटिंग सिखाई गई है तो आप उतना ही बच्चों को करने के लिए दीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन दे सकते हैं आफ्टर काउंटिंग, राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे 5, तो उसको जब नेम्स में लिखेंगे ना तो FIVE 5, ओके, इस तरीके से। 11, ELEVEN, 12, TWELVE, ऐसे ही 14, 27, 30, 42, 49, ऐसे कुछ भी न्यूमेरिकल्स आप दे सकते हैं। और कई बार पहले आप एक दिन उनको 1 to 5 सिखा भी सकते हैं। अगर उन्हें 50 तक नंबर नेम्स नहीं सिखाए हुए हैं, 10 तक सिखाए हैं, 20 तक सिखाए हैं, तो डोंट वरी, आप पहले बच्चों को 1 to 5 दीजिए। जब नेक्स्ट लेवल आप बच्चों को वर्कशीट का दें या अगली बार जब मैथ्स की वर्कशीट दें तो ये ध्यान में रखें कि 5 तक बच्चों को आते हैं तो हम लोग 5 से 10 अब बच्चों को दे सकते हैं। इस तरीके से एक साथ आप बच्चों को 1 to 20 की स्पेलिंग देंगे तो बच्चों को लर्निंग में भी दिक्कत होगी और वो आगे उनको भूल भी सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे आप उनको ये करने के लिए दीजिए। तो पहले दिन मंडे को बच्चों ने सिर्फ जो काउंटिंग है और नंबर नेम्स किए हैं। अब ट्यूसडे को आप थोड़ा सा और बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें कि हमारे सिंपल एडिशन आएंगे। पहले आप पिक्चर फॉर्म में एडिशन दे सकते हैं, यहाँ हम सिर्फ पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस के नंबर्स को इंक्रीज करके बच्चों को दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर का सिर्फ 1, 2 ही दिए हुए हैं, ये और ये बॉक्सेस वाला। आप ऐसे 4-5 इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। जैसे 1, 2, 3 एंड प्लस है तो 4, ठीक है। तो 3 तो ये थे, 1, 2, 3 और 1 ये है, तो सब साथ में ऑल टुगेदर हम काउंट करेंगे 4। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5। अगर बच्चों को फिंगर्स पे काउंट करना अच्छा लग रहा है, उसमें वो कंफर्टेबल है, तो आप उन्हें फिंगर्स पे काउंट करने दीजिए। जब एक बार पिक्चर एडिशन बच्चे सीख जाएं, उसके बाद आप सिंपल इस टाइप से बच्चों को करा सकते हैं, जिसमें देखिए 3 नंबर है, मीन्स 3 स्टिक्स एंड 4 स्टिक्स एंड ऑल टूगेदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से। ऐसे ही 0 के कॉन्सेप्ट को भी आप इंक्लूड कीजिए, 0 को मत छोड़िए। कई बार हम क्या करते हैं, 2 plus 4, 5, 6, यहाँ तक कि 2 तो दे देते हैं बट 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। 0 को भी आप इंक्लूड कीजिए। 2 plus 0 इट मीन्स क्या हुआ, 0 का मतलब कुछ नहीं तो 2। सिमिलरली 9 plus 1, 10, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपको पिक्चर वाला देना है, सेकंड में आपको सिंपल इस तरीके से एडिशन वाला देना है, एंड नेक्स्ट आपको ऐसे बॉक्सेस बना के कॉलम्स बनाते हुए बच्चों को एडिशन देने हैं। यहाँ भी 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल टुगेदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से। सिमिलरली 7 plus 2 and 4 plus 4, तो यहाँ तक आप बच्चों को अगले दिन करा सकते हैं। अगर
बच्चा इतनी सारी चीजें एक दिन में नहीं कर रहा है, मतलब पिक्चर एडिशन एंड सिंपल एडिशन एंड दिस वन, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले टाइम जब वर्कशीट कराने बैठे, सिंपली आप पिक्चर वाला दीजिए, नेक्स्ट में आप ये वाला दीजिए और उससे नेक्स्ट में ये दीजिए। ये लेवल वन है वर्कशीट का। इट मीन्स कि बच्चे पहले लेवल वन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अगले लेवल की वर्कशीट बच्चों को कराएंगे। हर बच्चा देखिए अपने आप में अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे की मैथ स्ट्रांग हो या इंग्लिश भी स्ट्रांग हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चे अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को कि दूसरे ने एक दिन में ये सारा कर लिया आपका भी कर लेगा, ऐसा ना करें। धीरे धीरे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, टाइम लगता है, इट्स ओके, बट उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सारे एडिशन के, कैरी, बोरो, ये सारे आप उनको अच्छे से सिखाएं, चाहे वो एक सिटिंग लें, दो, तीन, चार, कितने भी लें, हो सकता है कई बार पूरे वीक में बच्चे जो हैं एडिशन सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे उन्हें सिखाइए, हर बच्चा अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेप्ट से सीखता है, तो आपको जल्दी नहीं करनी है कि ये हमारी वर्कशीट में ट्यूजडे का वर्क है वो ही पेंडिंग पड़ा है। आप ट्यूजडे को ही लंबा खींचकर उस पूरे वीक वही भी सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंसडे के लिए। एक बार जब बच्चा एडिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख ले, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो वेनसडे को हम सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। सिमिलरली यहाँ जैसे कि हमने एडिशन में किया था, सेम वे में हम यहाँ पहले पिक्चर की हेल्प से सिखाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, बट यहाँ साइन क्या है देखिए, माइनस है, -2, और माइनस कितनी करनी है, 2 को माइनस कर देना है, मतलब 1 एंड 2। यहाँ पे माइनस के इस तरफ जो भी पिक्चर्स हैं, जितनी नंबर की पिक्चर्स हैं वो आप इनमें से बच्चों से क्रॉस करवा सकते हैं, तो बच जाएंगे कितने हमारे, जब 4 में से हमने 2 को काट दिया, 1, 2, ओके। ऐसे ही कई बार आप पिक्चर ना बना के सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि 3 ट्राइंगल्स हैं, -1, तो एक ट्राइंगल हमें माइनस करनी है, ऐसे तो रह गया 2, 7 -1। उसके बाद आप पिक्चर्स को छोड़ के नंबर्स पे आएंगे, तो 7 स्टिक्स है, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और उसमें से 1 को हम जब काट देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली 8 -4, ठीक है, ये वाला जब कॉन्सेप्ट सीख लें, देन इस वाले पे आना है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड -2, 1 एंड 2, तो 5 हमारी यहाँ पे रह जाएंगी, ठीक है। ऐसे आप और भी क्वेश्चंस बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे 5 -3, 9 -4, 4 -0, ओके। नाउ थर्सडे, थर्सडे के लिए हम बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं, जैसे 20 के पहले 19, 43, 27, 26, 42, 41, 38, 39। आप जब इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को देंगे तो आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होंगे जिनमें कि बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि 20 से पहले 19। तो इस टाइप के जहां भी आपके बच्चे ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको आप रिपीट कीजिए, 21, 22, 23, 53, 54 एंड 55, 11, then 12 and 13, 19, then 20 and 21। ये तो बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि ये मिसिंग नंबर के जैसा ही है। देन आफ्टर 25, 15, 16, 19, 20, 40, 41। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे जो हैं वो बिफोर वाले में करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा दें। इसी में वेनसडे को ही हम स्किप काउंटिंग भी बच्चों को सिखाएंगे, जिसमें कि राइट द स्किप काउंटिंग, जैसे 2, 4, तो ये एक पैटर्न है, तो यहाँ आएगा 6, देन 8, 12, 14, 16, 18 एंड देन 20, ओके। यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। तो इसके लिए बच्चों को 2 का टेबल एंड 3 का टेबल जो है वो आने चाहिए, 10, then 20, 30, 50, 60, 80 एंड 90। यहाँ पे भी एक पैटर्न ही बच्चों को फॉलो करना है आंसर के लिए। आप ध्यान रखें कि अगर ये चीज़ें बच्चों को अभी नहीं सिखाई गई हैं, लेट हैं उनके सिलेबस में जाके, तो आप ये जो टेबल कॉन्सेप्ट है थोड़ा लेट भी बच्चों को सिखा सकते हैं।
नेक्स्ट आप देखिए फ्राइडे के लिए, फ्राइडे के लिए राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग का मतलब है देखिए यहाँ पे जैसे गोले बने हुए हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही बच्चों को फिल कर देना है यहाँ पे नंबर 2, 4, 5 एंड 3। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर 2, देन 3। और इसमें एक हैबिट डालिए आप बच्चों को कि जो भी नंबर वो लिखते जाएं उसे टिक लगा दें या काट दें। तो 2 हमने लिख लिया, 3 लिख लिया, देन 4, देन 5, ऐसे। सिमिलरली 11, 21, 41 एंड 61, देन 10, 30, ओके 40 एंड 80, इस टाइप से। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही आप इसी को जब बच्चे एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से सीख लें, इसमें भी वही बात है कि बच्चे एक सिटिंग में सीखते हैं, दो में, तीन में, जैसे भी बच्चे इसको कर पाते हैं। पहले आप 4 नंबर ना दें, हो सकता है आप 2 या 2 नंबर ही दीजिए, फिर जैसे कि 2 और 4 में से 2 इज स्मॉलर देन 4, देन 2, 4 एंड 6, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके ऐसे। फिर आप करते हुए 2, 4, 6 एंड 8, अब इसमें से अगेन 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन 4, देन 6 एंड देन 8, ऐसे धीरे धीरे बच्चों को 2 नंबर, देन 3, देन 4, ऐसे सिखाइए। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे अच्छे से सीख लें, देन मूव टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में भी आप कोशिश करें पहले बच्चों को ऐसे सर्किल्स ही बना के दें, 1, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा। तो यहाँ इसी का ऑपोजिट है, जैसे इसी का अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो 5, देन 4, देन 3 एंड देन 2। ऐसे ही पहले आप छोटे नंबर्स का बच्चों को सिखाइए, जैसे कि पहले दिन 1 to 10 तक ही आपने सिखाया, देन 1 to 20, देन 1 to 50। एक बार जब बच्चे 1 to 10 या 20 का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद 50 या 100 का कॉन्सेप्ट सीखने में उन्हें दिक्कतें नहीं आती हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं वो आप उन्हें क्लियर कीजिए। यहां तक हमने फ्राइडे को कर लिया, ठीक है। उसके बाद सैटरडे या संडे, दोनों में से एक दिन, जो भी उन्होंने पूरे वीक में सीखा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने एक पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे सीख लें, बट जितना भी आप सिखा पाए हैं उस वीक में, हो सकता है उस पूरे वीक में आप सिर्फ मंडे ट्यूसडे का जो हमने प्लानिंग की हुई है उतना ही सिखा पाए, डोंट वरी, कोई समस्या नहीं है। आप सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन फिक्स करके बच्चों को वो जो उन्होंने पूरे वीक में सीखा है उसके लिए रिविजन वर्कशीट बना के दें, चेक करें क्या हम अगले वीक उससे आगे मूव कर सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसी चीज़ को रिपीट करें। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।